में एक और पर्दाफाश हुआ है कि जिस होटल में कमरा नंबर 104 बुक कराया गया था वो अंजलि ने नहीं बल्कि निधि ने बुक कराया था। यही अंजलि का परिवार भी कहता है कि निधि के कहने पर अंजलि वहां गई थी। होटल में भी जो बुकिंग हुई है वो निधि के नाम पर हुई है और होटल के कमरे की बुकिंग 800 रुपए में की गई थी। दिल्ली पुलिस को होटल के रजिस्टर से ये जानकारी मिली है। हालांकि होटल में जो वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि दो लड़कियां आई, हमने आइडेंटिटी कार्ड लिया लेकिन रूम हमने बुक किया, लेकिन रूम बुक जो हुआ है वो निधि के नाम से हुआ है। यही अंजलि का परिवार भी बार बार कह रहा था कि अंजलि निधि के कहने पर वहां पहुंची है। उन्होंने और भी संगीन आरोप लगाए हैं। इस वक्त ताजा तस्वीरों पर चलते हैं। यहाँ अखाड़ा में जावेद मंसूरी वहां मौजूद हैं, जहां अंजलि का परिवार ये मांग कर रहा है सुल्तानपुरी पुलिस थाने में के बाहर धरने पे बैठ गया है। और ये लाइव तस्वीरें हैं जहां परिवार का कहना है कि FIR में दफा 302 आप ऐड करें, बावजूद इसके कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि जब तक साक्ष्य नहीं मिलता, जब तक ये साबित नहीं होता कि ये मर्डर है, 302 की धारा नहीं लगाई जा सकती। अब तक 304 A के तहत इस केस को किया गया है, जहां परिवार का कहना है कि अंजलि के साथ सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो वहां पर किया गया, जो कृत्य इन चार आरोपियों ने किया वो मर्डर है, खून है, क्योंकि उन्हें पता था कि अंजलि उस गाड़ी में फंसी है, उससे सटी है, उसके चैसी से उसकी। जावेद मंसूरी इस वक्त हमारे साथ हैं। जावेद, परिवार ने अब धरना कर दिया है, वहां पर पुलिस थाने के बाहर बैठी है 3-4 दिन से। वो सुल्तानपुरी थाने में ये आग्रह किए जा रहे हैं कि FIR में धारा 302 ऐड की जाए। देखिए, परिवार ने प्रोटेस्ट मार्च किया और अब सुल्तानपुरी थाने के बाहर परिवार धरने पर बैठ गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि शुरुआत में, इस घटना के शुरुआत में भी हमने देखा था कि परिवार ने प्रोटेस्ट किया और अब एक बार फिर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो परिवार की महिलाएं हैं वो धरने पर बैठी हैं, सड़क पर बैठी हैं। आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं और देखिए जो सुल्तानपुरी थाने के आसपास के बाहर की तस्वीरें हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए, जो पूरा सड़क है वो जाम यहाँ पर हो गया है और पुलिस व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो यहाँ सड़क पर बैठ गई हैं। आप बताइए क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? फांसी देना चाहिए। देखिए ये महिलाएं जो फांसी देने की मांग कर रही है और देखिए जो घर और आसपास पड़ोस की महिलाएं हैं वो यहाँ सड़क पर हैं और थाने के ठीक बाहर। जावेद, आप उनसे पूछिए, वहाँ डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया भी हैं, उनसे पूछिए। पुलिस का कहना है कि 302 मर्डर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो साक्ष्य के बिना धारा कैसे लगा दें? भूपेंद्र चौरसिया की बात दिख रहे हैं, उनसे भी पूछिए। रहा है परिवार की अपनी दलीलें हैं, परिवार की अपनी दलीलें हैं कि वो 302 क्यों लगवाना चाहते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो परिवार उनको लेकर सवाल उठा रहा है, हम पूछेंगे। ये और मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस ने